हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई एम मीना भारद्वाज एंड वेलकम टू दी लुमिनेंटाइज अकेडमी। तो आज हम कवर करने वाले हैं 22 जनवरी के करंट अफेयर इन अवर क्विजेस। एंड हाँ, हमने जो टाइम जो लिमिट है क्वेश्चंस की वो 5 इसलिए ही रखी है कि आप एटलीस्ट एक क्विक रिवीजन कर सके, करंट अफेयर्स का भी, क्वेश्चंस का भी आपको पता चल सके कि आपको कौन से क्वेश्चंस या किस टाइप के आपको करंट अफेयर्स पढ़ने हैं। साथ ही आपको पता लग सके कि किस टाइप के क्वेश्चंस इन करंट अफेयर्स से बन सकते हैं, उनका पैटर्न या वो किस टाइप के होंगे। तो और हाँ, साथ ही हमने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर भी वीडियो बनाई है, तो आप वो देख सकते हैं, यूपीएससी के भी, इवन एसएससी वगैरह के भी। तो आई होप कि आपने वो देखी होगी, अगर नहीं तो उसे देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले, योर बेस्ट टीचर इज योर लास्ट मिस्टेक। मीन्स अगर आपको अब नहीं पता है कि आपको आगे क्या करना है या आप आगे नहीं बढ़ पाए हैं किसी भी मिस्टेक की वजह से, किसी भी रीजन से, तो जहाँ पे आपने जो गलतियाँ की हैं उन गलतियों से सीखिए और आगे बढ़ना शुरू कर दीजिए। एक तरह से आपके पास एक्सपीरियंस है, दोबारा गलतियाँ रिपीट मत कीजिए, उनसे सीख लीजिए और फिर से लग जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। और वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज माल्थुसियन थ्योरी या फिर माल्थुसियन थ्योरी इज रिलेटेड टू पोल्यूशन, माइग्रेशन, बायोडाइवर्सिटी, पॉपुलेशन। चूज योर ऑप्शन एंड आंसर देने की कोशिश कीजिए। देखते हैं कितने जनों को ये आंसर आता है, क्या आप सच में करंट अफेयर पढ़ते भी हैं या नहीं। सो हियर आवर आंसर इज डी, पॉपुलेशन। लेट्स नो मोर अबाउट इट। जो थॉमस रॉबर्ट माल्थस थे वो फर्स्ट इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने प्रपोज की थी ये थ्योरी, जो कि सिस्टमैटिक थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन थी। उन्होंने आर्ग्यू किया था या उनका कहना था कि अगर हम पॉपुलेशन को अनचेक या पॉपुलेशन को चेक नहीं करते हैं तो ये रिसोर्सेज को ओवरकम कर जाएगी, आउटग्रो कर जाएगी। मीन्स कि रिसोर्सेज कम पड़ जाएंगे और पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी, जिससे कि बहुत सारी प्रॉब्लम बढ़ जाएंगी। अगर हम चाइना की बात करें तो उन्होंने इसी थ्योरी की वजह से वन चाइल्ड पॉलिसी अडॉप्ट की थी और उन्हें एक तरह से डर था कि अगर पॉपुलेशन बढ़ती चली गई तो इससे इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल कैटास्ट्रोफ बन जाएगा और जो फूड शॉर्टेजेस है वो उसके इशू आने शुरू हो जाएंगे, इवन और भी बहुत सी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो पॉपुलेशन कंट्रोल इसलिए जरूरी है। नेक्स्ट इज ग्लोबल सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट वाज रिलीज्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विच इज WEF, वर्ल्ड बैंक, IMF, ILO। सॉरी, मैंने पहले थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे रख दिया और सेकंड इसके बाद आएगा। सो आवर आंसर इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। लेट्स स्टार्ट, लेट्स नो मोर अबाउट इट। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक अपनी रिपोर्ट दी है, एवर ग्लोबल सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट, जिसके 10 पिलर्स हैं और साथ ही उन 10 पिलर्स को ब्रेक डाउन किया गया है। 5 determinants of social mobility, which are health, education, technology access, work opportunities, working conditions and fair wages, and finally social protection and inclusive institutions. तो अगर हम इन्हीं सोशल मोबिलिटी की बात करें तो इन्हें हम समझ सकते हैं अपवर्ड एंड डाउनवर्ड सर्कमस्टांसेस पे, जहाँ पे एक पर्सनल चेक होता है कि जो एक इंडिविजुअल है उसके रिलेशन कैसे है उसके खुद के पेरेंट्स के साथ, साथ ही उसकी जो एक सोशल वैल्यू है उसको भी मेजर किया जा सकता है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स अंडर NPT, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ईरान, फ्रांस, पाकिस्तान, इंडिया। A 1 and 4, B 2 and 4, C 1, 2 and 3, D 2 only। सो ट्राई टू चूज योर आंसर। आई होप कि आप सबको पता है ये क्वेश्चन तो बहुत पुराना है, बहुत बार रिपीट होता है और ये न्यूज में रहता ही है। So here our answer is D, 2 only, France. Let's know more about it. और अगर हम फ्रांस के अलावा अगर बात करें तो जो और कंट्रीज है वो है चाइना, रशिया, UK एंड US। साथ ही बात करते हैं नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी विच इज NPT, एक मल्टीलेटरल ट्रीटी है जिसका एम है लिमिट करना न्यूक्लियर वेपन्स के कंट्रोल को, या उनको न्यूक्लियर वेपन्स ज़्यादा ना बढ़े इसी वजह से उन्हें कंट्रोल करना जरूरी है। और इसमें 3 एलिमेंट्स इंक्लूड किए गए हैं, साथ ही नॉन प्रोलिफरेशन, डिसआर्मामेंट एंड पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। ये साइन की गई थी 1968 में एंड फोर्स में आई थी 1970 में। साथ ही जो स्टेट न्यूक्लियर वेपन स्टेट होती है उन्हें NWS कहा जाता है, और उसके तहत ये वो स्टेट होंगी जो मैन्युफैक्चर करेंगी साथ ही डेटोनेट करेंगी न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव डिवाइस को प्रायर टू सिंस 1 जनवरी 1967। और जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स नहीं है उन्हें नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स यानी NNWS का नाम दिया गया है। अगर हम 5 न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स की बात करें तो या दीज आर चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड US। नेक्स्ट इज which of the following statements are correct regarding reciprocating territory? Orders passed by certain designated court called superior court from a reciprocating territory can be implemented in India. Second is United Arab Emirates is recently declared to be a reciprocating territory. Choose your option: 1 only, 2 only, both, none. So here our answer is C. Both statements are correct. Let's know more about it. Recently United Arab Emirates ने declare किया है about the reciprocating territory under section 44A of the Civil Procedure Code 1908. इनमें उन्होंने declare किया कि एक list of court तैयार की जाएगी जिन्हें superior court का दर्जा दिया जाएगा इसी section के तहत। अगर हम reciprocating territory की बात करें तो उसमें ऑर्डर पास किए जाएंगे, उसमें ऑर्डर पास किया गया है कि जो कोर्ट है उन्हें डेजिग्नेट किया गया है सुपीरियर कोर्ट, और वो जो कोर्ट होंगे एक तरह से उनकी कॉपी भी तैयार की जाएगी। साथ ही एक तरह से ये इम्प्लीमेंट होगा इंडिया में भी। इंडिया में इम्प्लीमेंटेशन का इसका मतलब ये है कि अब कोई भी क्रिमिनल अगर UAE में क्राइम करता है और वो इंडियन है तो वो ये नहीं कि अपनी कंट्री में आके या होम कंट्री में आके बच जाएगा, नहीं, वहां पे UAE के लॉ के अकॉर्डिंग उस पे केस चलेगा इंडिया में भी, तो इंडिया उस लॉ को यूज करके उस क्रिमिनल को पकड़ सकती है। साथ ही अगर हम बात करें तो इसमें जो डिसीजन होगा दोनों कंट्रीज के बीच में होगा, तो एक तरह से ये दोनों कंट्रीज इन रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी के अंदर आ जाएंगी। नेक्स्ट इज नेगोशिएशंस रिगार्डिंग बायलैटरल इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट विच इज बीपा आर गोइंग ऑन बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, EU, आसियान, जापान। तो ये दो कंट्रीज के बीच में अभी हुआ है, तो ये सबको पता होना चाहिए। इससे पहले भी बहुत हुए हैं। सो हियर आवर आंसर इज B, इट इज EU। लेट्स नो मोर अबाउट इट। यूरोपियन यूनियन ने अपना इंटरेस्ट एक जताया है इंडिया के साथ एक एग्रीमेंट करने के लिए विच इज बायलैटरल इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट। इससे पहले जो एग्रीमेंट हुए थे वो थे FTA एंड बटिया, तो वो नहीं हो पाए थे और वो किसी तरह से रुक गए थे, तो इसीलिए अब एक और एग्रीमेंट होना चाहिए ऐसा EU ने कहा है। और अब ये जो नया एक ट्रेड एग्रीमेंट होगा जो कि अलग होगा FTA और बटिया से, यानी इसका उनसे कोई कनेक्शन नहीं होगा जिससे कि उनके ट्रेड में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ओके गाइस, दीज वर आवर 5 क्वेश्चंस। आई होप कि आपको ये पसंद आ रहे हैं। तो अगर पसंद आए हैं तो प्लीज लाइक अवर वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। साथ ही जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी और ऊपर कॉर्नर में भी आपको मिल जाएगा, तो प्रैक्टिस कीजिए उन्हें। ओके, थैंक यू सो मच।